अगर आप YouTube से वीडियो देख देख कर अक चुके हो और आपको अपने लिए एक सुपर पटाटो लो एंड एमुलेटर जो है वो नहीं मिल पा रहा, आपने हर एक एमुलेटर लाइक ब्लू स्टेक्स का 1 वर्जन या फिर आपने लीप ड्रॉइड का लो एंड एमुलेटर भी ट्राई कर लिया, मतलब कोई भी एमुलेटर आप में नहीं चलता, जो लॉन्च होता है उसमें गेम नहीं चलता, और जिस एमुलेटर में आप ये सोचते हो कि इसमें गेम चल जाएंगे वो एमुलेटर आपको ब्लैक स्क्रीन या पिंक स्क्रीन का इशू दे देता है। इस वाली वीडियो में मैं आपको एक ऐसा एमुलेटर बताऊंगा जिसकी आप सिस्टम ऑफिशियली रिक्वायरमेंट देख सकते हो, फिर भी मैं आपको बताया तो इस एमुलेटर को चलाने के लिए आपके सिस्टम में जी हाँ सिर्फ 1 GB रैम होनी चाहिए, जो कि इसकी रिकमेंडेड भी है। यहाँ पर आपको पेंटियम का प्रोसेसर चाहिए, जी हाँ भाई आज के टाइम पे हर जो कंप्यूटर है भाई इसमें पेंटियम का प्रोसेसर होता है, वरना i3 रिकमेंडेड है, इसमें पेंटियम में भी आप खेल सकते हो। ग्राफिक कार्ड की यहाँ पर नीचे आप पढ़ सकते हैं कि नो नीड, कोई भी जरूरत नहीं है। इस वाले एमुलेटर में 32 बिट 64 बिट दोनों एक ही वर्जन में आते हैं, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही साथ आप इसको विंडो XP में भी खेल सकते हो, लेकिन विंडो XP विंडो में खेलने के लिए कुछ सेटिंग एमुलेटर की करनी पड़ती है, कुछ ड्राइवर्स वगैरह जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आपको बोलकर बताऊंगा, तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। और इस एमुलेटर को चलाने के लिए वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी की भी जरूरत नहीं है, इतना लो स्पेक्स है तो सारी बात है बीटी ना भी इनेबल हो तो ये चल जाएगा। इस एमुलेटर के अंदर आपको एंड्रॉइड 4 का सपोर्ट मिलता है जो कि जेलीबीन की तरफ से आता है, सोच सकते हो कि भाई एंड्रॉइड 4 में आपको ये वर्जन देखने के लिए मिल रहा है तो ये सदर की खतरनाक परफॉर्मेंस दे सकता है। इस एमुलेटर में आप नाइट्रो अल्फा या फिर फ्री फायर जैसे हाई एंड गेम्स भी खेल सकते हो। तो यहाँ पर हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं, लीप ड्रॉइड एमुलेटर करके आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। अब ये जो है ये देख सकते हैं टेक्नोगोन करके .com लिखा है, क्योंकि ये ऑफिशियल सेटअप है। अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो हाउ टू डाउनलोड वाली वीडियो वॉच कर ले। चलिए हम इसको इंस्टॉल करें हैं। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको जो सेटअप मिलता है वो विंडो XP वाला मिलता है, आप इसको विंडो XP में भी इंस्टॉल कर सकते हो। प्लीज ये मत पूछना कि विंडो 7 है ये वो, ये एमुलेटर सब में चलेगा। तो यहाँ पर एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है, डायरेक्टरी सिलेक्ट करनी, कहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है, 300 कुछ MB स्पेस खाली होना चाहिए एंड हिट इंस्टॉल्ड। देखिए इस एमुलेटर को अगर आप विदाउट ग्राफिक कार्ड या मतलब बिल्कुल ही लो एंड पीसी में चला रहे हैं तो आपको अपने सिस्टम के सारे ड्राइवर्स को अपडेट करना है। ड्राइवर्स को अपडेट करने के लिए आपको ड्राइवर बूस्टर का क्रैक्ड वर्जन चाहिए होगा, और ये आपको कहां से मिलेगा, आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हो ड्राइवर बूस्टर क्रैक्ड वर्जन। क्रैक्ड वर्जन में होगा क्या, आपके जो ड्राइवर्स हैं एंड आपके नेट फ्रेमवर्क सारा का सारा अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आपने जो है वो इस एमुलेटर को लॉन्च करना है। तो यहां से लीप ड्रॉइड एमुलेटर मिल जाएगा, सिंपल इसको लॉन्च करें। हमारा एमुलेटर यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स में बात करने से पहले मैं इसका आपको एंड्रॉइड वर्जन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम इसका एंड्रॉइड वर्जन आपको चेक करवा देते हैं, एंड्रॉइड अबाउट अस पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 4 का जेलीबीन का वर्जन देखने के लिए मिलता है। अब ये वर्जन ना पब्लिक, आप अपने सुपर पोटैटो लो एंड पीसी में भी प्ले कर सकते हो, मतलब ये बना ही लो एंड पीसी के लिए, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल भी कर सकते हो। तो ये होगी इसके एंड्रॉइड वर्जन के बाद, अब आपको बताता हूँ कि इसमें एप्लीकेशन कौन कौन से इंस्टॉल कर सकते हैं आप एंड कैसे आपको इसका एप्लीकेशन इंस्टॉल करना। सबसे पहले हम इसकी सेटिंग करेंगे, तो आपको सेटिंग में जाना है, पहले आपको यही वाली पब्लिक रेजोल्यूशन ट्राई करनी है, मतलब बहुत आपका लो एंड पीसी है तो आपने 800/600/240 वाला रेजोल्यूशन रखना, जिससे आपका ब्लैक स्क्रीन सारे के सारे इशू फिक्स हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि अगर आपके सिस्टम में कोई स्पेसिफिक APK पड़ा हुआ है, मान के चल लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास व्हाट्सएप का APK पड़ा है, तो अगर आपको ये APK को इंस्टॉल करना है तो सिंपल आपको जो है वो यहाँ पे अदर सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, इंस्टॉल APK के ऊपर क्लिक करना है एंड उस वाली डायरेक्टरी में जाना है जहाँ पर आपका APK पड़ा है एंड हिट ओपन। देख सकते हैं आपको एक दफा रिस्टार्ट करना है, उसके बाद आपका ये सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। व्हाट्सएप यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा इंस्टॉल हो चुका है। इसके बारे अगर आपके पास कोई OBB फाइल पड़ी है, मतलब कि अगर आप कोई बड़ा सा गेम इसके अंदर पेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आपको अदर्स के ऊपर जाना है, शेयर वाले फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है एंड वहां पर उस डायरेक्टरी में जाना है जहां पर आपका गेम ब्रांड ओके के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको डायरेक्टरी में रीडायरेक्ट कर देगा जहां से आप उस अपने एप्लीकेशन को जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था इसका थर्ड पार्टी का मेथड। अब अगर आपको ऑफिशियली गूगल प्ले स्टोर का यूज करना है, जी हाँ आपको इसके अंदर गूगल प्ले स्टोर भी देखने के लिए मिलता है, तो आपको यहाँ पर जाना है अपने शेयर फोल्डर में एंड यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐप स्टोर में भी जा सकते हो। तो आपको इस पे क्लिक करना है, एग्जिस्टिंग अकाउंट के ऊपर क्लिक करके ईमेल एंड पासवर्ड डाल के साइन इन हो जाना है। हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपका सर्वर एरर का आएगा, तो आपने करना है इसको बंद कर देना है, ठीक है। बंद कर देने के बाद आपको अगेन यहाँ पे जाना है एप्स में एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस तरीके से आपका देख सकते
उसने दोबारा क्रैश हो तो आपने अगेन लॉन्च कर लेना, तो आपका गूगल प्ले स्टोर जो है वो चल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा गूगल प्ले स्टोर जो है वो चल चुका है। यहाँ पर आप बहुत हाई एंड गेम्स भी यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रेसिंग गेम की बात करें तो यहाँ पर भाई आप अल्फा जितनी भी गेम्स है भाई आप खेल सकते हो। एंड्रॉइड 4 है तो यार हाई एंड गेम्स भी आप इंजॉय कर सकते हो इसके एमुलेटर के अंदर। अगर आप इस एमुलेटर में की मैपिंग करना चाहते हो तो की मैपिंग वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको की मैपिंग की सारी गाइड देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कीबोर्ड के सारे बटन यहाँ पर हमारे जो है वो आ रहे हैं। यहाँ पर ऊपर आपको कस्टमाइज बटन देखने के लिए मिलते हैं। आप यहाँ पे शूटिंग का लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक जो जितने भी बटन है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। अब मैं सिमुलेटर के कुछ एडवांस फीचर या बोल सकते हो लैग फिक्स वाली सेटिंग के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक काम करना है, आपको अपने टास्क मैनेजर में जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ई वर्चुअल बॉक्स करके एक एमुलेटर है, राइट क्लिक करके उसकी ओपन फाइल लोकेशन में जाएं। यहाँ पर आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रायोरिटी में जाना है, हाई के ऊपर सेट कर देना। नीचे आपको इसको जो वर्चुअल बॉक्स दिख रहा है इसको भी हाई पे सेट कर दो। उसके बाद फिर से जाओ प्रोसेसर में एंड यहाँ पर आपको जो एमुलेटर दिख रहा है ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लीप ड्रॉइड करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पर लीप ड्रॉइड आ जाएगा। राइट क्लिक करके उसकी गो टू डिटेल्स में जाएं एंड यहाँ पर इसको भी हाई प्रायोरिटी सेट कर दें, जिससे होगा कि आपके जितना भी सीपीयू का फोकस रहेगा ना वो आपको इसी प्रोग्राम पे रहेगा, जिससे आपका गेम का लैग बहुत हद तक रिड्यूस हो जाएगा। अब हम इसकी बात कर लेते हैं एक और सेटिंग की, तो आपको सेटिंग में जाना है। यहाँ पर अगर आपके पास पेंटियम का प्रोसेसर है ना पब्लिक तो 1 कोर रखो एंड रैम आपको 2 GB रखनी है। अगर आपके सिस्टम में 2 से 3 GB 3 GB रैम वाले 2 GB रखेंगे, लेकिन अगर आपका इसमें भी लैग हो रहा तो आपने 1024 वाली रेजोल्यूशन सेलेक्ट करनी जो कि बेस्ट है, जिसमें आपका गेम नहीं अटकेगा। तो अब हम करते हैं इस एमुलेटर की बेंचमार्क कर लेते हैं, मतलब इसमें कौन कौन से गेम चलते हैं, कितने एफपीएस पे चलते हैं, सारी की सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ।